サスケ？サスケ！うわぁ、サスケ！出動！出動！出動！वेलकम बैक बॉयज, तुम्हारा स्वागत है एक और नई वीडियो में। और मुझे पता है तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो मुझे पता है कि भाई तुमने नारुतो देख लिया है और तुम यहाँ पे अपने ज्ञान झाड़ने आए हो, क्योंकि नारुतो के फैंस हाईली नॉलेजेबल होते हैं, है ना। लिस्ट को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि इताची ने इटर्नल मांगे क्यों शारिंगन का चांस हाथ से क्यों जाने दिया। नहीं, मैं वो वाले चांस की बात नहीं कर रहा हूँ कि इताची को सास्के की आइस ले लेनी चाहिए थी और उसको इटर्नल मांगे क्यों शारिंगन मिल जाता। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उचीहा क्लैन मैसेकर के टाइम की। अब एक्चुअली अपन सबको बताया कि फुगाकू के पास मांगे क्यों शारिंगन था, और इताची ने जब अपनी फैमिली को मार दिया तब फुगाकू का मांगे क्यों शारिंगन ले सकता था और इटर्नल मांगे क्यों शारिंगन इताची को आराम से मिल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब मुझे नहीं पता कि इताची ने ऐसा क्यों नहीं किया। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। और मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं है, जस्ट मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया तो मैंने बता दिया। खैर, तुम क्या सोचते हो कि इताची ने ये चांस हाथ से क्यों जाने दिया जबकि उसके पास चांस था इटर्नल मांगे क्यों शारिंगन का, कमेंट से बताओ मुझे। दूसरा क्वेश्चन मेरा इताची से रिलेटेड है, जो कि है इताची की सिकनेस, मतलब इताची को क्या बीमारी थी। अपने को पूरे नारुतो में ये कहीं पे भी नहीं बताया कि इताची को एक्चुअली में क्या बीमारी थी। हाँ, उसके इफेक्ट अपने को देखने को मिल रहे थे कि इताची के रिफ्लेक्सेस कम हो गए हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी इंड्योरेंस कम हो गई है, बट अपने को ये मेंशन कहीं पे भी नहीं किया कि उसकी एक्चुअली बीमारी क्या थी। मतलब बंदे को कैंसर हो गया था या क्या हो गया था, अपने को नहीं पता। और ये राज भी उसी के साथ चला गया। एटलीस्ट यार किशिमोटो को एक्सप्लेन तो करना चाहिए था कि इताची की बीमारी क्या थी, और वो सिर्फ उससे अकेले को ही हुई है पूरे नारुतो में, और किसी को भी नहीं हुई है, तो ऐसी कौन सी यूनिक बीमारी है ना। इसके ऊपर भी तुम्हारा ओपिनियन मुझे कमेंट से बताना। तीसरे क्वेश्चन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट्स बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करना जरूरी है कि हाशिरामा की डेथ एक्चुअली में कैसे हुई। ये चीज भी अपने को नारुतो में कहीं बताई नहीं है कि भाई हाशिरामा कैसे मरा। लोगों ने यहाँ पे लिटरली अपने अंदाजे लगाए हैं कि हाशिरामा की डेथ हो गई एक बैटल में, बट ये काफी सेंसलेस लगता है, क्योंकि हाशिरामा गॉड ऑफ शिनोबी था, अपने टाइम में वो सबसे पावरफुल था और उसको मारना कोई आसान काम तो था नहीं। इसके बाद कई लोगों ने ये भी अंदाजा लगाया कि हाशिरामा की डेथ नेचुरली हुई, मतलब इंसान जैसे बुढ़ा होता है और नेचुरली मर जाता है वैसे। और इसके बाद कई लोगों का ये भी अंदाजा है कि हाशिरामा को एक मिस्टीरियस डिजीज हुआ है, मतलब वही इताची वाली बीमारी। अब मुझे पता नहीं है इसमें से कौन सा एक्चुअली सही है, बट डेफिनेटली पहला वाला जो बैटल वाला है वो तो गलत ही है डेफिनेटली मुझे लगता है। तो तुम्हारा ओपिनियन मुझे बताना कि हाशिरामा कैसे मरा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई वुड स्टाइल इतना रेयर क्यों है नारुतो में, मतलब जिसे हर कोई शिनोबी यूज करता है, लाइटनिंग स्टाइल, फायर स्टाइल, वाटर स्टाइल, लेकिन भाई वुड स्टाइल कोई ज्यादा यूज करता ही नहीं है। तो क्या वो एक केके गेनकाई था, या फिर वो सिर्फ हाशिरामा की स्पेशलिटी थी, या फिर कोई और रीजन था। अपन ने लिटरली तीन ही कैरेक्टर को पूरे शो में वुड स्टाइल को यूज करते हुए देखा है, हाशिरामा, मादरा और यामाटो। तो भाई ये वुड स्टाइल का क्या रहस्य था ये भी अपने को नहीं पता है, और किसी ने इसको सीखने का ट्राई क्यों नहीं किया, किसी के अंदर ये पहले से ही नहीं था। जैसे कुछ स्टाइल कुछ कैरेक्टर्स के अंदर ही होते हैं, जैसे नारुतो के अंदर विंड स्टाइल था, तो ये वुड स्टाइल का क्या रहस्य था ये अभी तक किसी को पता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ्लाइंग राइजिन इतना रेयर क्यों है, मतलब इस जुत्सु को भी यूज करने वाले दो यूजर थे, टोबीरामा और मिनाटो, लेकिन जब से मिनाटो की डेथ हुई ये जुत्सु कम्प्लीटली खत्म ही हो गया, आगे किसी ने इसको यूज ही नहीं किया। मे भी मिनाटो और टोबीरामा के अलावा किसी को पता ही नहीं था कि इस टेक्निक को कैसे सीखते, या फिर टेक्निक सीखना इतनी हार्ड थी कि सिर्फ मिनाटो और टोबीरामा ही इसे मास्टर कर पाए। बट डेफिनेटली कोई अगले जनरेशन में से इसे सीखता तो भाई अलग ही मजा आता शो को देखने में। आखिरी क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि नागाटो ने रीने रिबर्थ का यूज करके याहिको को फिर से जिंदा क्यों नहीं किया। पेन आर्क के लास्ट में अपन देखते हैं कि भाई नागाटो रीने रिबर्थ का यूज करता है और सबको जिंदा कर देता है जो भी हिडन लीफ में मरे थे, बट उसका यूज करके तो भाई वो अपने बेस्ट फ्रेंड याहिको को भी तो जिंदा कर सकता था ना। कई लोगों का यहाँ पे ये भी मानना है कि भाई रीने रिबर्थ को जो भी यूज करता है उसकी डेथ हो जाती है, और भाई कुछ लोगों का ये कहना है कि नागाटो ने रीने रिबर्थ का ओवर यूज किया, मतलब सबको जिंदा कर दिया हिडन लीफ में जितने भी मारे थे, इसलिए वो मर गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी लिटरली मेरे पास नहीं है, तुम्हें अपना कमेंट्स में ओपिनियन मुझे बताओ।
अब मैंने कुछ कवर तो किया इस वीडियो में, लेकिन अभी भी कई सारे मिस्ट्रीज बाकी है। क्या करें, नारुतो वर्स इज सो बिग, तो मिस्ट्रीज भी काफी ज्यादा। बट छोड़ो, ये वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। मैं चाहता हूँ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी मार देना। तुम मारते नहीं हो शेयर, तो चलो मैं चलता हूँ, थोड़ी ज्यादा ही जल्दी में हूँ। बाय।